कांग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्षनी ચૂંટણીની હલચલ વચ્ચે રાજસ્થાનમાં રાજકીય ઘમાસાણ મચ્યું છે। મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોત સમર્થિત ધારાસભ્ય સચિન પાયલટને મુખ્યમંત્રી બનાવવાની વાત પર નારાજગી વ્યક્ત કરી અને આ સાથે જ રાજીનામું આપી દીધું, ત્યારે રાજસ્થાનની આ રાજકીય ઉથલપાથલની અસર ગુજરાતમાં પણ થઈ શકે છે। गुजरात में विधानसभा की चूंटणी नजीक आवी रही है। भाजप, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूर जोश में प्रचार कर रही है। बीजी बाजू राजस्थान राजकारण में होबाड़ो सर्जायो है, जेनी असर गुजरात विधानसभा की चूंटणी में जोवा मळे तो नवाई नहीं, कारण कि गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा राजस्थान है। गुजरात ऑब्जर्वर तरीके राष्ट्रीय कांग्रेसे अशोक गहलोत की नियुक्ति करेली है। राजस्थान सीएम गहलोत राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की चूंटनी लड़े तेवी शक्यता ने लईने सचिन पायलट नु नाम सीएम तरीके जाहिर करवामां आव्यो, जे बाद गहलोत जूथना धारासभ्योए राजीनामा धरी दीधा हता। त्यारे राजस्थानी स्थिति संभाळवी पण कांग्रेस माटे पड़कारजनक छे। परिस्थिति ने थाळे पाडवा माटे मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत साथे चर्चा करी हती। बीजी बाजू राजस्थान पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा पण परिस्थिति उकेल लावामां व्यस्त छे, त्यारे तेओ गुजरातमां केटलुं ध्यान आपी शकशे ते मोटो सवाल छे, कारण के गुजरातनी चूंटणीने लईने चूंटणी ढंढेरो तैयार करवो पड़शे। रघु शर्मा जो हाजर नहीं रही शके तो ढंढेरो कई रीते तैयार थई शकशे। उमेदवारोना नामनी यादी पण जाहेर करवानी बाकी छे। उमेदवारोना नामनी यादी फाइनल कई रीते थशे અને ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત બાદ જો બળવાની સ્થિતિ સર્જાય તો સ્થિતિ કેવી રીતે થાળે પાડી શકાશે। પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર સામે કોઈ કાર્યકરો વિરોધ કરશે તો તેમને કોણ મનાવશે, અને આવી સ્થિતિમાં દિલ્હી અને ગુજરાત વચ્ચે સંકલન કોણ કરશે। આગામી દિવસોમાં પ્રિયંકા ગાંધી ગુજરાત આવી રહ્યા છે, राहुल गांधी पण चूंटणी प्रचार माटे गुजरात आवी शके छे, त्यारे राजस्थानमां सर्जायेली स्थितिने लईने रघु शर्मा अने अशोक गहलोत केटलुं ध्यान आपी शकशे ते सवाल चोक्कस थाय छे।